एसआईटी हरिद्वार के द्वारा की जा रही लोक सेवा आयोग की दो भर्ती प्रक्रिया पटवारी और एजेई मामलों की जांच में मुख्य अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी को दोबारा से रिमांड पर लेकर बलिया ले जाया गया है, जहां उसके लॉकर से एसआईटी ने करीब 22 लाख रुपए की कीमत के जेवरात बरामद किए हैं। साथ ही 50,000 के इनामी अनुराग पांडे से भी एसआईटी ने 2,70,000 की नकदी बरामद की है, जो उसके द्वारा भर्ती घोटाले से अवैध रूप से अर्जित किए गए थे। वही एसआईटी से फरार चल रहा संजय धरीवाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर अब एसआईटी ने कुर्की की कार्रवाई को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी को लेकर उसके घर पर पुलिस द्वारा मुनादी कराई गई, जिसके बाद गेट पर नोटिस चस्पा दिया गया है। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के मुताबिक पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी को बीते सप्ताह दोबारा से 5 दिन के लिए कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया था। आरोपी को उत्तर प्रदेश के बलिया में उसके घर पर ले जाया गया था, जहां पूछताछ करने के साथ ही कई साक्ष्य और जेवर बरामद करने की कार्रवाई की गई। एसआईटी हरिद्वार द्वारा दो योजनाएं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के संबंधित की जा रही है, जिसमें एक एजेई की परीक्षा है और दूसरी पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें पूर्व में काफी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और जो जानकारी मिली थी इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे उनको रिमांड पर लेकर इसमें कुछ बरामदगी करानी थी। कुछ अवैध संपत्ति की बात पता चली थी, जो इन्वेस्टमेंट को इनको पैसे मिले थे, संबंध में टीम बलिया गई थी। वहां पर लॉकर से करीब 22 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई, चूंकि भारी मात्रा में ज्वेलरी थी वो किस सोर्स से आई थी, इस परीक्षाओं को लेकर पैसे के माध्यम से तो नहीं पहुंची, सबको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है उस पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही साथ अनुराग पांडे जिस पर 50,000 का इनाम था जो फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के उपरांत उसका भी माननीय न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया था, जिससे 2,70,000 की जो अवैध नकदी जो परीक्षाओं के माध्यम से उसने अर्जित की थी वो भी बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।